दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल में। मैं यादव, आप देख रहे हैं एजुटेक सपोर्ट्स का। तो आज का टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देख लिया होगा, हाउ टू फॉरवर्ड एसएमएस टू अनदर नंबर। मतलब आप चाहते हैं कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि आपने कोई किसी एसएमएस को किसी दूसरे के फोन में फॉरवर्ड करना चाहते हैं ताकि आसानी से काम हो जाए। इसके बहुत से तरीके होते हैं, या तो आप कॉल सेंटर में कॉल करके बोल सकते हैं, उसके थ्रू हो सकता है, लेकिन परमिशन आपको देना पड़ेगा, आप एडमिन है ये साबित करना पड़ेगा। और कुछ कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ कोडिंग वगैरह होते हैं, कुछ कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो इंस्टॉल कर लेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देता है। तो आज का टॉपिक इसी पे है, हाउ टू फॉरवर्ड एसएमएस टू अनदर नंबर। फॉरवर्ड का मतलब मेरा मोबाइल में जो मैसेज आ रहा है, मैं चाहता हूँ किसी और के मोबाइल में मैसेज ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाए, मुझे ट्रांसफर ना करना पड़े, ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाए, तो वो पॉसिबल होता है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था होली में, तो वो बहुत अच्छा खासा व्यूज भी लाया है, अच्छा खासा काम भी किया था। उसमें मैंने बताया था सेम इसी टॉपिक पे, वो फर्स्ट वीडियो है, ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसलिए देखिएगा थंबनेल में टू लिखा हुआ है, किसी में वन लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट पार्ट है। तो वीडियो आज इसी टॉपिक पे है, मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया है, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, उसका लिंक मैं कोशिश करूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में दे देने का। आपको उसको इंस्टॉल करना है। आप जिसके भी फोन का मैसेजेस चाहते हैं कि अपने फोन में लाना है, या अपने फोन का मैसेजेस किसी और के फोन में ट्रांसफर करना है, तो जिसका फोन का मैसेज आपको चाहिए, मान लीजिए कोई विक्टिम है उसके फोन को, मान लीजिए आपका भाई बहन या दोस्त बंधु कोई भी दोस्त है, उसके फोन का मैसेज आप देखना चाहते हैं अपने फोन में, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन को उस अपने दोस्त के फोन में इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद जो परमिशन मांगेगा उसको दे देंगे, वहां पे जो मैंने लाइव करके दिखाया है स्क्रीन रिकॉर्ड में सेम आपको प्रोसेस कर देना है, उसके बाद फोन को उसको दे देना है। और कोशिश करिएगा उस एप्लीकेशन को आप हाइड करने का, हाइड कर देंगे तो देख नहीं पाएगा, उसको समझ भी नहीं आएगा कोई भी मैसेजेस जो है उसके फोन से डायरेक्ट आपके फोन में ट्रांसफर हो जा रहा है। तो ये कैसे करना है, क्या क्या करना है, लाइव डेमो। आप चाहे तो वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, अपना मैसेज किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, या उसका मैसेज अपने पास ट्रांसफर कर सकते हैं, ये दोनों आपके ऊपर है, आप कैसे इसको यूज करना चाहते हैं। चलिए बकवास ना करते, शुरू करते हैं टॉपिक को, देख लेते लाइव स्क्रीन डेमो का कैसे इसमें काम करता है, कौन सा एप्लीकेशन है, कैसे फंक्शन करेगा, चलिए देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, ये जो मोबाइल स्क्रीन है उसमें ये जो एप्लीकेशन आप देख पा रहे हैं ये विक्टिम के फोन में आपको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करके दे देना है। क्या क्या सेटिंग है, क्या करना है आपको दिखाया जाते हैं। तो ये विक्टिम के फोन में सारा काम हो रहा है, यहाँ पे ऐसा ओपन इंटरफेस खुलेगा आपके सामने। इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन ये खास अच्छा लगा मुझे इसलिए मैंने इसको इंस्टॉल करके आपको दिखा दिया। ये सब ऑप्शन नहीं देखना, फर्स्ट ऑप्शन देखना आपको, सेटिंग्स ऑप्शन लिखा हुआ है वहां देखना। ये फ्री एप्लीकेशन है, फ्री में ऐड आएगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऐड करने बोला, यहाँ पे उस नंबर को ऐड करना है जिस नंबर पे आप चाहते हैं कि विक्टिम का मैसेज उस नंबर पे ट्रांसफर हो जाए, यानी अब आपको अपना नंबर यहाँ पे डालना है। मतलब आप चाहते हैं कि विक्टिम का मैसेज आपके अपने नंबर पे आ जाए, क्लियर हुआ। तो जिस नंबर पे मैसेज को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं उसी नंबर को यहाँ पे डालना है, सिंपल सा लॉजिक, और मैं कुछ बकवास नहीं करूंगा। तो यहाँ 2 3 4 5 कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक ये नंबर डाला, ये मेरा नंबर है, सपोज करिए मेरा नंबर है, मैं चाहता हूँ विक्टिम का फोन कर मैंने मैसेज ये किया और ये नंबर डाल दिया, ये ऐड हो गया। इसके अलावा और भी कुछ अगर नंबर आप चाहेंगे डालना तो वहाँ पे डाल सकते हैं किसी और का, मतलब वहाँ पे इसको ऑफ होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा इसको ऑन करना है, क्लियर हुआ। तो इसको ऑन करना है, ये ऑफ को बंद नहीं करना है, अगर इसको बंद करके रखेंगे तो मैसेज ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है ना। मैंने ऑन कर दिया, देखिए ऑन ग्रीन कलर में आ गया, ऑन दिखा रहा, शो कर रहा है। तो क्या करना है, अब चाहे तो किसी और नंबर को भी ऐड कर सकते हैं उसमें। जो मैंने एक और नंबर ऐड किया 6290, उसको भी ऐड किया, मतलब इस फोन का जितना भी मैसेजेस होगा ये जो दो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उनमें वो ट्रांसफर होगा। और यहाँ पे अनलिमिटेड आप नंबर सेव कर सकते हैं, मतलब जितने इतने नंबर पे आप यहाँ पे टाइप करेंगे उतने में ये मैसेज ऑटोमेटिक फॉरवर्ड होगा। और इसको टिक अगर मार देते हैं, यहाँ पे देखिए मैं मार्क किया, उसको टिक मारने पे क्या होता है, कभी कभी ऐड वाला मैसेज आता ना, ऐड वाला मैसेज ट्रांसफर नहीं होगा, आपके जो इंपॉर्टेंट मैसेज होगा वही ट्रांसफर होगा। तो ये बहुत से कारणों से आपके लिए हेल्पफुल है, बेनिफिट भी है, काम करेगा, क्लियर हुआ। तो कभी कभी होता है कि आपका फोन बंद हो गया है तो वो उस समय काम करेगा, और बहुत कुछ ऑप्शन है। यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अलाउ करने बोलेगा परमिशन, तो हो सकता है आपको पहले में अलाउ करने के लिए बोले, आप अलाउ कर देंगे, अलाउ करने के बाद क्या होगा, काम खत्म, सेव हो गया। अब उस नंबर को क्लिक करके आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर देंगे इसका मतलब उसका काम सेव हो गया, वो हट गया, उसमें अब मैसेज ट्रांसफर नहीं होगा डिलीट करना हो तो। अगर आप इस सिस्टम को बंद करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो था, देखिए बीच में ऐड आ रहा है, सॉरी इसके लिए क्या करूँ, फ्री का एप्लीकेशन है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तो इसके वजह से हम देखना पड़ेगा ऐड को। तो हम क्या करेंगे, उसमें बंद कर देंगे ना तो मैसेज फॉरवर्ड नहीं होगा, क्लियर हुआ। और नंबर पर टैप करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, कोई दिक्कत की नहीं है। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पसंद है सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।